सो है गाइस, स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। गाइस, एग्जाम वगैरह के चलते मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और फटाफट बात करते हैं जमशेदपुर एफसी के बारे में। सो जमशेदपुर एफसी का सबसे बड़ा बिगेस्ट लॉस पॉइंट आप सभी जानते हैं वो क्या है, ओवेन कॉल के बाद जो एडी पुत्रोड आए हैं, जो हमारे हेड कोच रहे हैं इस सीज़न के, वो थे सबसे बड़ा बिगेस्ट लॉस पॉइंट। दूसरा लॉस पॉइंट मैं कहूँगा वो आप सब लोग भी जानते हैं, ग्रेग स्टुअर्ट जो मिडफील्ड को कंट्रोल करते थे, वो गेम को कंट्रोल करते थे, वो कंट्रोलनेस किसी भी प्लेयर में नहीं थी। उनके जाने से पूरा ही गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्लेयर सही नहीं है। भाई साहब, प्लेयर कहाँ से सही नहीं है, सारे के सारे प्लेयर तो सही हैं जो ओवेन कॉल के अंडर में खेले थे। जो ओवेन कॉल के अंडर खेले थे वही प्लेयर तो खेल रहे हैं सारे के सारे। सिर्फ एक दो फॉरेन प्लेयर ही तो चेंज हुए हैं और फॉरेन प्लेयर एडी बूथरॉड ही लेकर आए हैं। तो हम सबसे बड़ा ब्लेम एडी बूथरॉड को ही कह सकते हैं कि एडी बूथरॉड ने अच्छा नहीं किया। लेकिन जमशेदपुर एफसी गलती अभी भी उसी को ही दोहरा रही है। जमशेदपुर एफसी फिर से वही गलती दोहराने जा रही है, क्योंकि हीरो सुपर कप हीरो आईएसएल के बाद में स्टार्ट होगा। देन उसके लिए जमशेदपुर एफसी एक न्यू हेड कोच को फाइंड नहीं कर रही है, ढूंढ नहीं रही है। और आप सोच रहे हो कि एडी बूथरॉड ने लास्ट के एक दो मैच जीत लिए तो इससे क्या हो सकता है कि जमशेदपुर एफसी आने वाले मैचेस जीतेगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। एडी बूथरॉड को रिलीज़ करना पड़ेगा जमशेदपुर एफसी को, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडी बूथरॉड है। एक न्यू हेड कोच आएंगे, एक अलग ही माइंडसेट होगा। अभी आप बेंगलुरु का गेम प्ले देख रहे हो, किस तरीके से अल्बर्ट रोका उनके टेक्निकल डायरेक्टर बन चुके हैं। और बेंगलुरु एफसी, जब से वो टेक्निकल डायरेक्टर बने हैं, बेंगलुरु एफसी एक भी मैच नहीं आ रही है। और आज केरला ब्लास्टर एफसी से मैच है। भाई, मुझे केरला ब्लास्टर एफसी के लिए फिक्र हो रही है, लेकिन मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ केरला ब्लास्टर एफसी को। आई होप केरला ब्लास्टर जीते, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि केरला ब्लास्टर एफसी को जीतना इतना आसान होगा। सो गाइस, जमशेदपुर एफसी के बारे में मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। मुझे बिल्कुल प्रॉपर न्यूज़ मिलेंगी तभी मैं अपडेट दूंगा। और बाकी सारी न्यूज़ के लिए अगर आप चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं टाइम निकाल कर वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। जम के खेलो जमशेदपुर। थैंक यू गाइस, टाटा, बाय बाय।